लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीका लबैक। लाखों आज़मीन मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़, हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन रात मीना में क़याम के बाद मैदान अरफात पहुँच गए। मुफ्ती आज़म मस्जिद नमरा से हज का खुतबा अदा करेंगे। खुतबा हज सुनने के बाद जहर और असर की नमाजें अदा की जाएंगी। मगरिब से कबल हुजाज मुजलफा चले जाएंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और शयातीन को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। कल सुबह नमाज फजर की अदायगी के बाद वापस मीना चले जाएंगे, जहां रमी जमात यानी शैतान को कंकरियां मारेंगे। कुर्बानी के बाद हाजी अहराम उतार देंगे। पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद आज़मी फरीज़ा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समात। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, अभी तक 100 सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस यहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, ISPR की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़े है कि अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल बताएं कि मुलजमान के खिलाफ कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ इख्तियार किया, अभी जो कार्रवाई चल रही है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। चीफ जस्टिस ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमारे पास दस्तियाब नहीं, एक्ट की अदम दस्तियाबी के बायस हवा में बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाप्त कर रहा है। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। सिविल कोर्ट्स ने कानून के तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को मुंतकिल किए। इंसाफ के इस अमल में रुकावटें डालने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल हो रहा है, ये अमल जारी है। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थीं। ये 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स पहले से ही फाल थीं। सानहा 9 मई के दौरान फौजी तंजीमात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान फौज से फारिग। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े किया है कि सानहा 9 मई को ना भुलाया जाएगा, ना मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा। इनका ताल्लुक किसी भी इदारे, जमात या मौशे में किसी भी हैसियत से हो, सबको आईन और कानून के तहत सजाएं मिलेंगी। फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल मौजूद है, जो बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। रिटायर्ड जर्नैलों के अहले खाना के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नाकाबले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर एक रिटायर्ड 4-स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4-स्टार जनरल के दामाद, एक रिटायर्ड 3-स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2-स्टार जनरल की अहलिया और दामाद एहतसाबी के अमल से गुजर रहे हैं। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच से अलग होने पर तहरीरी नोट, कहा निज़ाम अदल की बुनियाद अवामी एतमाद है। दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं, हमारा हल्फ कहता है हमें अपने ज़ाती मफादात से बालातर होना चाहिए। मैंने आईने पाकिस्तान के दिफा और हिफाजत का हल्फ उठा रखा है। केस में शफाफ ट्रायल, बुनियादी इंसानी हकूक, इंसानियत की तकरीम और आज़ादी का सवाल है। हुकूमती इत्तेहाद की दोनों बड़ी जमातों के कायदीन की दुबई में बैठक। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की भी शिरकत। सियासी सूरतेहाल और मुस्तकबिल के लाह अमल से मुतालिक मुशावरत। उबूरी सेटअप, सीट एडजस्टमेंट और नवाज शरीफ की वापसी पर भी गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क्यादत के दरमियान मुलाकात का दूसरा दौर ईद के बाद होगा। दुबई में बैठक सिर्फ वजारत उज़्मा के हसूल के लिए है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की PDM पर तनकीद, कहते हैं आवाम जानना चाहते हैं इनके मौशी हालात पर भी कोई बात हुई है। मौशी बहाली के लिए क्या प्लान बनाया गया है?
दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। ताहयात नाअहली खत्म, अब मुद्दत सिर्फ 5 साल होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबी मैदान में उतर सकेंगे। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए, फाइनेंस बिल पर भी दस्तखत कर दिए गए। खाम तेल से लदा रूसी जहाज क्लाइड नोबल कराची पहुंच गया। रूसी जहाज खाम तेल के साथ बंदरगाह की हदूद में लंगर अंदाज। केपीटी का पायलट जहाज को पोर्ट चैनल में लाकर ब्रथिंग कराता है। शरह सूद में हंगामी बुनियादों पर 1% इजाफा, स्टेट बैंक ने शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी। पॉलिसी रेट में 100 बेस पॉइंट्स का इजाफा। मरकजी बैंक के ऐलामे के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई में इजाफे के मुमकिन खतरात को रोकने के लिए किया गया। उधर IMF के दबाव पर बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई। बैरून मुल्क से $1,00,000 भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। एमनेस्टी स्कीम का मकसद मुल्क में डॉलर्स की किल्लत पर काबू पाना था। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, अपनों के संग मनाने की तैयारियां। मुसाफरों की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी। ईद पर स्पेशल ट्रेनों का बाकायदा आगाज हो गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफरों का रश। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की खुसूसी हिदायत पर 2 ट्रेनें ईद से पहले और 1 ईद के बाद चलेगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया। मेगा इवेंट का 100 रोजा काउंटडाउन शुरू। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप मैचेस में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत है। उधर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी की खला में रोनमाई कर दी गई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पाकिस्तान लाई जाएगी। PCB चेयरमैन का आज होने वाला इंतखाब मुलतवी। PCB के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म पर यह फैसला किया गया। जका अशरफ का क्रिकेट बोर्ड सरबरा बनने का मामला लटक गया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खित्ते में दहशतगर्द ग्रोहों से निमटने पर पुरअज़्म। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हैं, मानते हैं कि पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। चीन ने मुसल्ला बगावत के खिलाफ रूस की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीन की वजारत खारजा ने बगावत के मामले को रूस का अंदरूनी मामला करार दे दिया। बीजिंग से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के हमसाया के तौर पर चीन कौमी इस्तेहकाम को बरकरार रखते हैं और खुशहाली के हुसूल में रूस की हिमायत करता है।